आदित्य की गाड़ी की छत देख के ना मेरा मन कर जाता है कि मेरे पास भी एक गाड़ी ऐसी हो। ये शीशा 4-5 महीने से टूटा हुआ है, इस लड़के से ठीक नहीं कराया गया। आदित्य और मैं इतने ज्यादा खराब है ना कि हम अपने मुद्दे से भटक चुके हुए हैं, क्योंकि हमें दिख चुकी है एक इतनी प्यारी चीज कि हमने गाड़ी डीरूट कर ली और आपको भी दिखाते हैं क्या प्यारी चीज है। हेलो जी OMG फैमिली, कल रात को नहीं आज सुबह जल्दी सोने के बावजूद उठ चुके हैं हम टाइम से, और उठते सार लग चुके हैं करने काम। यहाँ पे आदित्य जी विराजमान होके अपनी लाते ग्लैमरसी दिखाते हुए कर रहे हैं रिसर्च वर्क, और मैं कर रहा हूँ जी ब्रेकफास्ट, जिसमें आज पहली बारी मैंने खाई है सत्तू की परौठी जो की टेस्टी थी, और साथ में हेल्थ का ध्यान रखते हुए पी रहा हूँ रेड टी। नहा धो के तैयार होके निकल गए थे जी अपने मिशन पे बनाने फूडी वी की वीडियो, और दिल्ली में जिस तरीके की हम वीडियो बनाते हैं ना, बनानी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जगह इतनी ज्यादा दूर है। मतलब बंदा चंडीगढ़ से दिल्ली इतनी देर में आता है जितनी देर में कई जगहों पे हमें जाने में लग जाता है। मतलब ये मैप लगाया हुआ है 55 मिनट सिर्फ 25 किलोमीटर के लिए, और कभी मैं सोचता हूँ कि दिल्ली के जो फूड ब्लॉगर है वो एक ही जगह की पूरी वीडियो बना देते हैं 10-12 मिनट। वो रीजन ही ये है भाई, वो नहीं खज्जल होते इतना, हम फूडी वाले हम खज्जल हो जाएंगे और एक वीडियो में 10 जगह ही दिखाएंगे। अनोखा अद्भुत अविश्वसनीय करेंगे तभी तो फूडी वी वाले कहलाएंगे। यस ब्रदर यस। रात के 11:15 हो रहे हैं और अब जाके पहुंचे हम घर, और इस इंसान ने बाहर इतना कम खाया है ना, अब जाके खाना खा रहा है भाई। भूख लग रही है। तूने भूख हड़ताल इतनी कैसे कर ली यार? मतलब तूने खाया है बट बहुत कम खाया है। एक एक बाइट खाई है हर जगह बस। मैं सोच के गया था कि नहीं खाना यार, क्योंकि फिर गिल्ट होता है बाद में। ये पूरा फिटनेस के गेड़े दे रहा है आजकल। डाइट पे हूँ मैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे। आदित्य वो देख के ना मेरे को गिल्ट हो रही थी कि मैं कैसे खा रहा हूँ और ये इंसान खा नहीं रहा है। और अभी घर पे बने हुए हैं जी राजमा चावल, पेट में जगह तो है नहीं है, और गिल्ट मैं लेना नहीं चाहूँगा, तो इस टाइम पे मैं करूँगा भूख हड़ताल क्योंकि बहुत खा लिया हुआ है। और सुबह से निकले हुए थे, ऑलमोस्ट 12 घंटे हमें हो चुके हुए हैं शूट करते हुए, एंड अभी भी हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। यार दिल्ली में ना ट्रैफिक मार देता है बहुत, ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक की वजह से। यही चीज़ अगर चंडीगढ़ होती ना, इतनी मेहनत करके हमारी 2 वीडियोज़ बन जानी थी। और जी एक बारी फिर लैपटॉप खोल के बैठ चुके हैं करने रिसर्च वर्क। आदित्य 2 दिन हो चुके हुए हैं, नींद बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, और इस टाइम पे नींद आ रही है पर सो नहीं सकते क्योंकि कल जो वीडियो बनाने उसका भी काम करना है। वीडियो की रिसर्च नहीं करी ना तो भटकते रह जाएंगे, रिसर्च करनी जरूरी है। हो चुका है अगला दिन। आज एक बारी फिर 4-5 घंटे की नींद पूरी करके हम उठ चुके हुए हैं, तैयार हो चुके हुए हैं और निकलने लगे हैं आज के शूट के लिए। मतलब ये हेक्टिक स्केड्यूल देख के ना मेरे को मास्टर शेफ वर्सेस डिजास्टर शेफ याद आ रहा है। ऐसे ही हेक्टिक स्केड्यूल में वो शूट किया था, और अब इस बार ही शूटिंग चल रही है। और अपनी आंखें खोलने के लिए और एनर्जी लेने के लिए ये प्रोटीन शेक वाली बॉटल में मैं बना रहा हूँ अपनी कोल्ड कॉफी। और आज की मेरी जो नींद उठी है वो इस लड़के की वजह से उठी है, क्योंकि मेरा अलार्म तो भाई साहब दे गया था धोखा। सही बात, मेरा अलार्म तो बहुत देर से बज रहा था। अच्छा। मैं खुद को धोखा दे रहा था बार बार। मैं उठने में नहीं आ रहा था, फिर मैंने जब टाइम देखा था कि 7:15 हो रहे हैं, मैं को भाई जल्दी उठना पड़ेगा नहीं तो आज वीडियो के लिए लेट हो जाएंगे। पर हो गए फिर भी, मतलब बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए, वो तो लेट गए पर 10 मिनट ऊपर है अपने शेड्यूल से बस। आदित्य की गाड़ी की छत देख के ना मेरा मन कर जाता है कि मेरे पास भी एक गाड़ी ऐसी हो जिसकी छत कुछ इस प्रकार हो। एक बारी प्लीज कमेंट करके बताओ सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी आती है जिसमें पैनारोमिक जिसमें पैनारोमिक सनरूफ हुए लेने का प्लान करेंगे किस्तों पे। कौन सी है सबसे सस्ती कोई हुए ना जिसमें मतलब छत इस प्रकार हो? पैनारोमिक सनरूफ मेरे ख्याल से अगर क्रेटा में आती हो तो, मतलब एक बार आप कमेंट करके बताना। अभी फिलहाल आदित्य की गाड़ी का हुआ हुआ बुरा हाल, एक तो गाड़ी धोने वाले भैया वो आ नहीं रहे हैं तो गाड़ी आदित्य की बिल्कुल ही धुली, दूसरी चीज ये शीशा 4-5 महीने से टूटा हुआ है, इस लड़के से ठीक नहीं कराया गया, इतना ज्यादा बिजी है। जहां भी जाता हूं ना, 3 दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे, मैं क्या 4 दिन के लिए मैं गाड़ी दे जाऊंगा तो मैं काम कैसे करूंगा, तो इंस्टेंट काम हो नहीं रहा मेरा। तो मुझे ये है कि मैं कभी 3-4 दिन के लिए ऐसी कंडीशन में हूँ कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। इससे आप तो अंदाजा लगा सकते हो आदित्य कितना ज्यादा बिजी है। सही बात है, या मैं गाड़ी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ। अगर मेरे पास स्कूटी भी हो ना तो मैं गाड़ी दे सकता हूँ। तो स्कूटी ले ले, मेरे पास पड़ी हुई है।
इतनी दूर दौड़ना स्कूटी लेके आऊंगा गाड़ी देने के लिए, वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, रहने दो मैं कैब करा लिया करूंगा, ये दे दूंगा मैं सर्विस सेंटर। आदित्य और मैं इतने ज्यादा खराब है ना कि हम अपने मुद्दे से भटक चुके हुए हैं, क्योंकि हमें दिख चुकी है एक इतनी प्यारी चीज कि हमने गाड़ी डीरूट कर ली और आपको भी दिखाते हैं क्या प्यारी चीज है। गौर से देखिए इस गाड़ी को, ये है जी मेबैक और वो भी इलेक्ट्रिक। आज से पहले तक हमको ये भी नहीं पता था मेबैक इलेक्ट्रिक भी आती है। EQS मेबैक वो भी डुअल टोन में, ओए होए ये तो कभी सड़क पे भी नहीं देखी यार। नाइस, यहाँ मर्सिडीज का शोरूम है ना। हाँ, मजा आया देख के गाड़ियाँ। अभी जस्ट शूट जो है खत्म करके हटे हैं, 12 घंटे हो गए हमें शूट करते हुए खाते हुए, और जो हमने मैप लगाया है भाई साहब 1 घंटे 20 मिनट का रास्ता है भाई। बैंड बजिए इस बारी मेरे दिल्ली आ गया ना, सच में बैंड बजिए। 1 घंटा 20 मिनट तो दिखा रहा है भाई। हाँ, कम से कम 1.5 घंटा लगेगा और ज्यादा भी लग सकते हैं। और आए हम कितनी देर में थे, 30-35 मिनट में पहुंच गए थे, 40 मिनट सिर्फ 24 किलोमीटर के लिए हमें 1 घंटा 20 मिनट दिखाया जा रहा है। और मैंने तो अपने जूते जो है वो उतार लिए हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा घुटन फील हो रही थी, और मुझे इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ये जूते उतार के गाड़ी चलाएगा नहीं। एंड जूते उतार के समझ नहीं आएगा ब्रेक कितनी दबानी है, रेस कितनी दबानी है, थकावट तो इसको भी बहुत हुई है। एक काम कर, रास्ते में से चप्पल ले ले, मैं तुझे गिफ्ट करता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, तब तक तो पहुँच जाना हमने यार, यार बहुत लंबा रास्ता है, तू ले ले चप्पल। हम बड़ा ले लद्दाख जा रहे हैं, पहुँच जाएंगे 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम। देख ले, 2 घंटे मैक्सिमम देख ले, जीजा गिफ्ट दे रहा है। ना ना कोई नहीं, फिर मैं ऐसा करता हूँ ना, फिर बर्किन चौकी ले लेते हैं। देख उंगल पकड़ाइए, मोड़े पे ना चढ़, ठीक है? उंगल तक ही सीमित ना करो। जैसे लोगों की वजह से ना बता, गिफ्ट भी बोलता नहीं है। एक तो बोल रहा हूँ चप्पल ले ले, बाटा बूटा की ले ले। बाटा की है, ऐसे नहीं होता भाई, 300-400 तक की ले ले। 300-400 ये भी ज्यादा है, मैं 100-150 से 300-400 बोल रहा हूँ। गिफ्ट नहीं चाहिए यार मुझे, रिलैक्स होगी ले ले। तो मैंने शाम को कॉफी भी लगा दिए थे। बर्किन स्टॉक की दिलाते हो तो बताओ लेगा बर्किन स्टॉक? जब तक पहुंचना तो उस टाइम तक तो हमने घर ही पहुंच जाना है। अब तुम्हें घर याद आ गया? तो बर्किन स्टॉक हर जगह नहीं है ना, चप्पल की दुकान तो हर जगह मिल जाएगी, पर नहीं यार बर्किन स्टॉक मिली नहीं। वो पता क्या, मैं तेरी केयर करता हूँ, मुझे पता है। देखो बात दरअसल ऐसी है, दिलाने को मैं इसको बर्किन स्टॉक दिला दूं, बट फिर ये रहेगा 3 हफ्तों के लिए तंग क्योंकि पैर बहुत ज्यादा दुखेंगे। मैं तुझे दुख में नहीं देख सकता साले। नहीं, सही बात है, मैं मान गया तुम्हारी, मान गया ना। हाँ, ठीक है, चप्पल कैंसिल। 300-400 रुपए की दिला रहे थे, इसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मुझे लेनी नहीं 300-400 वाली, वैसे 300-400 वाली माड़ी नहीं है, मतलब इतनी की पहनता हूँ मैं, बट मुझे लेनी नहीं ना, मेरे पास आया घर पे चप्पल यार। चलो कुछ और दिला देना तुम। हाँ जी, तो फाइनली जाके नींद जो है मैंने अपनी कर ली हुई है पूरी। कल ना हम घर पहुंच गए थे अराउंड 9 बजे और आते ही मैं सो गया था, कुछ नहीं खाया क्योंकि वीडियो बनाते वक्त बहुत ज्यादा खा लिया होता, खाने की भूख बिल्कुल नहीं थी। और अभी 12 घंटे की नींद पूरी करके उठा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। एंड आज ना सुबह एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कांड होते होते बचा है, आपको बताने से पहले एक बार आदित्य को बता देता हूँ। ओए, आज तेरे कमरे में सुबह सुबह आग लगते हुए बची है, इस कमरे में। तो एक बारी सुन, ये नहीं दादा क्या हुआ, ये जो एसी है ना, सुबह सुबह यहाँ पे पटाखा बोला और आग लगी, लिटरली आग लगी है। ये पर्दा जो है ना, ये बिल्कुल पास था, मैंने दूर करा, इसको बंद करा, तो ये देख भाई, फट गया तो लिटरली आग निकल रही थी इसमें से, तो काला हो गया सारा। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखियो, ये करवाना पड़ेगा जी, शॉर्ट से मतलब शॉर्ट भी, और गलती से ऑन ऑन ना कर लेना। नहीं नहीं करवा दी होगा, और ये चल रहा था उसके बाद भी, एसी चल रहा था, बड़ा डीडी एसी जिद्दी है, एसी चल रहा, मेरी तो फट रही थी उसको बंद करते वक्त भी, कार में आग लग गई, एसी चल रहा है। हां ये तो भाई एसी का टैलेंट है यार, इसको पैसे देने चाहिए। मैं टैलेंट तो मेरा भी है, बंद करने के बाद फिर सो गया। चलो नहीं, पर तुमने उठ के कर दिया तो पता लग गया वो, मतलब जब पटाखा बोला ना, मैंने देखो यहाँ पे लिटरली आग लगी हुई, चिंगारियां निकल रही भाई, तो काली हो गई दार भाई। चलो अच्छा हुआ भाई कि पर्दा बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा दूर था क्योंकि इस पे आग लगने वाली थी। इसमें ना पहले भी एक बार चिंगारी निकली है, अच्छा। ऐश ने मुझे बताया था, पर हमने इग्नोर करा क्योंकि एसी तो चल रहा था। एसी अभी भी जा रहा है, पर इग्नोर मत करियो। नहीं नहीं नहीं, अब उस टाइम तो बहुत छोटा था, ये तो बहुत बड़ा है, तार की हालत क्या हो चुकी हुई है, बट ये एसी बहुत बढ़िया है, अभी भी चल रहा है, कह रहा है गर्मी में नहीं मारूंगा, जो मर्जी हो जाए इसके साथ, सारे दुख ले लेगा ये एसी, बट आपको कुछ नहीं होने देगा। मुझे लग रहा प्लग निकाल दो तब भी चलेगा ये। इतना भी नहीं, बैटरी बूटरी तो लगी इसमें पीछे।
तो जी तैयार वगैरह हो के निकल गए थे आज अपनी वीडियो बनाने, काम धंधे हो चुके हैं डन। और जी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज देनी है आपको, वो ये कि बहुत टाइम से मैं सोचा था एक एनजीओ का पार्ट बनने के लिए, तो अभी आए हुए थे मीटिंग वगैरह करने और जिस एनजीओ के साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं उसका नाम है जी बुक्स फॉर ऑल। ये BFA जो है बुक्स फॉर ऑल है एंड इसके ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, वोकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा अपने स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादा डिटेल हमको RK गुप्ता जी बताएंगे जो दादाजी के फ्रेंड है एंड यू आर डूइंग वेरी गुड अंकल, सच्ची में मतलब देख के ना जो ये सारा कुछ आप कर रहे हो फील्स गुड। 14 साल हो चुके हुए हैं इनकी जर्नी को एंड किसी ने भी इसके साथ जुड़ना हुए एज ए वॉलेंटियर, एज ए डोनेटर, एज ए डोनर, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे आप कॉल करके और चीजें जान सकते हो। बाकी और डिटेल्स जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट जरूर करना। तो बेसिक एम जो अभी फिलहाल है वो ये है कि बुक्स जो है वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड की जाए, जिन जगहों पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन वगैरह नहीं मिल पाती है या फिर बुक्स की कमी है, तो ये जो है वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जानते हो कहाँ पे बुक्स की जरूरत है तो कॉन्टैक्ट करके प्लीज रीच आउट करना। बाकी तेरे को कैसा लगा यहाँ पे आके? अरे मजा आ गया सच्ची में, मतलब जितना ये काम कर रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है और 22 से भी ज्यादा स्टेट्स में ये अभी तक अपनी बुक्स पहुंचा चुके हैं, पता नहीं कितने हजारों रूरल स्कूल्स में इनकी बुक्स जा चुकी हैं। और कॉन्सेप्ट बताऊं, वैसे अगर आपको कहीं बुक्स रखनी हो ना तो आपको अलमारी चाहिए है ना, वो सब चाहिए, इनकी ये हैंगिंग लाइब्रेरी है जो कि ये सिर्फ ऐसे दीवार पे कहीं पे भी एक कील की मदद से आप टांग सकते हो और बच्चों के लिए लाइब्रेरी रेडी है। और ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में जा रही है तो बुक एक ही सेम टाइप की होगी, अगर साउथ में जा रही है तो उस लैंग्वेज की बुक होगी, नॉर्थ में जा रही है उस लैंग्वेज की होगी, कश्मीर में जा रही है तो उर्दू की भी होगी, जो बहुत अच्छी चीज है। इन्होंने स्टार्ट ही मराठी बुक से किया था, मतलब पहली बुक जो इनकी गई थी वो महाराष्ट्र गई थी तो मराठी लैंग्वेज में गई थी, तो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में इनकी बुक्स हैं। इसके अलावा ये आपको एक बुक दिखाते हैं हम जो जाती है ब्लाइंड स्कूल में, आज पहली बारी ये फील करने का मौका मिला। इसका एक एडवांस वर्जन भी है जो है जी ये, इसको क्या बोलते हैं, टेक्टाइल्स। ओए होए इसका दिखाना मेन जो चीज है इसमें, बेसिकली जो ब्लाइंड है उनको फील करने के लिए, जैसे ये गाय कैसी दिखती है या कोई भी एनिमल है या ह्यूमन बॉडी है उसको फील करके इमेजिन करने के लिए ये उस तरह की बुक्स होती है। तो इस तरीके से आप फील कर सकते हो। उसके अलावा रीड करने का भी है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो, मतलब जो ब्लाइंड है वो प्रॉपरली कर सकता होगा एंड मेरे को अच्छी लगी। नहीं नहीं बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और अगर आप लोग किसी ब्लाइंड स्कूल को भी जानते हो जहाँ पे इन बुक्स की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज इनके फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी भी नीचे मेंशन कर देंगे उस पे भी मेल कर सकते हो। और कोई रूरल एरिया में अगर स्कूल है जहाँ पे आपको लगता है इन बुक्स की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है या आपका खुद का स्कूल है जहाँ पे आपको लगता है बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज रीच आउट टू देम, दे विल हेल्प यू एज मच एज दे कैन। बहुत ही ज्यादा लंबी डिस्कशन और मीटिंग करने के बाद अब जी हम जा रहे हैं वापस घर, करेंगे आराम क्योंकि आज रात को फिर से बनाने फूडीवी की वीडियो, जिसके लिए एनर्जी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड बुक्स फॉर ऑल के साथ जुड़ने का मेन रीजन ये है कि उनका कॉज बहुत ज्यादा अच्छा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लीज चेकआउट करना। और अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट है बुक्स की या लगता है कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है जहाँ पे बुक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है तो प्लीज रीच आउट करना, और अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है वो भी रीच आउट करे, और अगर कोई इनको सपोर्ट करना चाहता है तो भी रीच आउट करे। बाकी आदि आज हमने दो बारी चाय पी ली है, जो इंसान महीने में दो बारी चाय पीता है आज दिन में दो बारी चाय पी के तुझे कैसा लग रहा है? मेरे को यार अजीब सा लग रहा है यार, मना भी नहीं कर पाए ना वहाँ पे चाय के लिए, यार कैसे मना करते हैं यार, जब चाय सामने आई गई तो उसके बाद कैसे मना करे, पर ना हमें चाय पीने की आदत नहीं है, इसकी जगह कॉफी होती तो काम बन जाता या ग्रीन टी होती है ना, ग्रीन टी से भी काम बन जाता। इनको ना मुझे रेड टी देनी पड़ेगी गिफ्ट में, हाँ। कि अगली बार मैं आऊँ तो ये मेरा सामान दादू की रेड टी गिफ्ट करके रख दे, क्योंकि आना जाना लगा रहेगा ना, क्योंकि मेरे पास ग्रीन टी का मुझे फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो इनको रेड टी दे दूंगा और आना जाना लगा रहेगा क्योंकि हम अब इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और लंबे समय तक जुड़ेंगे। दरअसल जब मीटिंग वगैरह हो रही होती है ना और जो होते हैं चाय के शौकीन वो सीधा चाय का ऑर्डर मार देते हैं एंड एक वो कौन सा प्रेशर होता है, मतलब पीयर प्रेशर में हमने आज दो कप चाय पी ली हुई है, पीयर प्रेशर में दारू पीते हैं, पीयर प्रेशर में दारू पीते हैं, हमने पीयर प्रेशर में चाय पी है और मेरी ना छाती में जलन होने लगी हुई है।
मेरा ना हमेशा से मन था ये स्काई लैंटर्न लेने का, यहाँ पे लाइटों पे भैया मेरे को मिल गए, बार्गेन करने के बाद हमने ले लिया हुआ है, आज जला के देखेंगे। ठीक है ठीक है, दिवाली में चलाते हैं इनको। दिवाली में यार अब ले लिया मैंने, अब रास्ते में लेके जाऊंगा फटफट गया तो। इसको बोलना ठीक ठीक पीस देगा। एक मेरे को चीज बता, ऐसे चुन चुन के क्यों दिए मेरे को? अलग 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 दिया, अच्छी बात है। अगर नहीं तो एक ही कलर हम दे देंगे सर। नहीं नहीं ठीक है भाई, तेरे देर पे भरोसा है। देखो बार्गेन मैंने कर लिया, ये पता लगेगा घर जाके कि भैया ने सही दिया है या नहीं दिया है। और जी घर आते ही हम देख रहे हैं कि आर्टिस्ट जी जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी आर्ट करने। तो ये आदित्य ने ऑनलाइन मंगाए थे शिव जी, जो ब्लैक कलर के थे, एंड इस आर्टिस्ट ने इनको रंग दे दिया हुआ है। पर अच्छा दे, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। अभी फिनिशिंग होनी है, थोड़ा टाइम। कलाकार इन द हाउस है हमारे, मैंने सच्ची कह रहा हूँ तुम्हें प्रोजेक्ट दे देने, इसके बाद हमारा जो घर रेनोवेट हुआ उसकी कोई बढ़िया सी पेंटिंग पुटिंग तुम बताओगे। घर आते ही ना मैं सो गया था, क्योंकि आज रात को बनानी थी वीडियो। ये इंसान सोया नहीं है, इसकी हालत होएगी बुरी, गारंटी दे रहा हूँ। मैं जिम गया था, हाँ, फिर मैंने 2 घंटे जिम किया। कोई बात नहीं, जेलस ना फील करा मेरे को। घर आया फिर मैं भी जाऊंगा जिम, मैं भी जाऊंगा, मैं भी बॉडी बनाऊंगा। 3 महीने रुक जा, मेरी बॉडी शायद नहीं बनने वाली है। मैंने बोलना ही नहीं आपसे यार, जब भी बोलता हूँ होता ही नहीं है। मैं चला गया जिम क्योंकि मेरे को नींद आनी नहीं थी, मुझे पता मैंने टाइम वेस्ट करना था फोन पे, तो मैं जिम चला गया। आके मैंने फूड वी का थंबनेल बना लिया, अब हमारे जाने का टाइम हो गया। इवन दो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, परंतु खाना खाने के लिए भी ना एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जी घर पे बना हुआ है पास्ता, ऐसे लग रहा है कि बाहर से मंगाया हुआ है, बट नहीं घर पे बनाया हुआ है यार पास्ता, बहुत अच्छी शक्ल है। मेरा खाने का मन करके तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ, खाना खा चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ और पिज्जा भी गर्म हो रहा है, क्रिस्पी पिज्जा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य जो है वो दिवाली जल्दी मनाना चाहता है। एक तो आज सुबह जो ये एसी वाला कांड हुआ है, फुल जड़ी जल रही थी वो एसी की, और अब आदित्य मेरे को बोल रहा है कि ये जो पांडा है इसके अंदर तुम पास्ता गर्म कर लो माइक्रोवेव में। अरे कर सकते हो, जो इसका डब्बा आया था ना, हाँ, उसके ऊपर लिखा था भाई। तू मुझे पहले ये बता, माइक्रोवेव एंड ओवन सेफ। नहीं तू मुझे बस, तू मुझे बस इतना बता दे तूने पहले किया इसमें। मेरे को भरोसा नहीं है, अगर तू, मैं डालता हूँ इसमें, तू डालो माइक्रोवेव में, मेरा नाम लग जाएगा। नहीं तो भाई और पटाखे जल रहे हैं, मैं और पटाखे नहीं जलाना चाहता। देखो मैं इसमें 2-3 बार गर्म कर चुका हूँ, लेट्स सी, चलो देखते हैं। नहीं यार तुम्हारे साथ नहीं कर रहा मैं। खुद ही मुकर गया बात से। तुम वो एसी भी फट गया, अब ये भी फट जाएगा, फिर ऐसे 200 चीजों का नुकसान नहीं झेल पाऊंगा मैं भाई। सोचा था लैंटर्न जलाएंगे आज, पर वो हो नहीं पाया, तो इनको जो है अपने बैग में डालते हैं, चंडीगढ़ लेके जाएंगे, वहाँ जलाएंगे। और अभी ना मैं करने लगा हूँ अपने बैग की पैकिंग, क्योंकि अभी शूट के लिए निकलेंगे और शूट के बाद मेरी है जी ट्रेन टू चंडीगढ़। तो कुछ इस तरीके का स्केड्यूल बनाया हुआ है। बैग जो है अपना हो चुका है पैक, रूम भी हमने कर दिया हुआ है साफ। अभी फिलहाल बज रहे हैं रात के 12, और इसी के साथ आज का जो व्लॉग है उसे जी करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलते हैं कल 4 बजे नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय।